आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज 36। किसान भाई न्यूज 36 चैनल के जम्मो देखैया दर्शक मल्ला राजकुमार दिवाकर के जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, किसान भाई हो, आप मन देखा था हमार कार्यक्रम खेत खार। अब ये खेत खार कार्यक्रम के तहत हम आप मल्ला मुलाकात कराथन कृषि वैज्ञानिक बड़े बड़े डॉक्टर मन से, जिन मन आप मल्ला कौन किस्म ले खेती किए जाए जेखर से हमला अधिक पैदावार मिल सके, अधिक उत्पादन मिल सके, इस संबंध में हमन जानकारी लेके आथन। तो आप मन हमारे कार्यक्रम में देखे बढ़न बुलाओ, कार्यक्रम के नाम है खेत खार, न्यूज 36 चैनल के खेत खार कार्यक्रम। तो संगवारी हो, हमन कार्यक्रम आगे बढ़ात हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में पहुंचे हमें डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी, जैन कृषि वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर ले हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ला हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, जय जोहार, जय जोहार, राम राम। तो डॉक्टर खरे जी, सबसे पहली हमन आप स्टूडियो में आए खर बार एक बार फिर आप ला धन्यवाद देवत हन, और हम आपसे ये जानकारी लेना चाहत हन कि रवि फसल ला किसान मन कौन किस्म से लिए जाए जिनमा अधिक उत्पादन और अधिक फायदा मिल सके। बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं भैया आपने। मैं बताना चाहूंगा, रवि फसल जैसे कि हम धान की हमारी कटाई हो गई है, अच्छा। जब कटाई हम करते हैं उसी समय से हमारा जो खेत तैयारी चालू हो जाता है। एक तो हमारी जो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है उतेरा पद्धति, अच्छा। लेकिन वो भी आजकल हम लोग बहुत कम कर दिए हैं, हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी पद्धति है। जो उतेरा पद्धति है उसमें धान की फसल जब हमारी कट जाती है या कटने वाला रहता है, उस समय में जो अंतिम हम धान की फसल में पानी देते हैं उसका जो मॉइस्चर, जो नमी, खेत में नमी जो संचित रहता है, उस संचित नमी का उपयोग करने के लिए उतेरा फसल हम डालते हैं। उसको चाहे हम गेहूं ले, चना ले, और तिवड़ा ले, सरसों ले, है ना भाई। तो सबकी अलग अलग गतिविधियां हैं। तो मैं बात करूं सरसों की, तो सरसों को हम सीधे या तिवड़ा को सीधे हम खेत में छिड़क देते हैं और संचित नमी से उसका अंकुरण होता है, और शीत के वजह से और संचित नमी के वजह से उसमें फलन फूलन होता है और हमें उतेरा फसल के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये उतेरा फसल हो गया। दूसरी जो है, हम बुआई करके खेत की हम तैयारी करते हैं, फिर खेत की हम बुआई करते हैं, उसके बाद हमें जो फसल मिलता है रबी में, अब रबी में कौन कौन सी फसल हम लगाते हैं, तो सबसे पहले या तो हम चना लगाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, गेहूं लगाते हैं, है ना भाई, कुसुम लगाते हैं, बर्रे लगाते हैं, तो इन सभी चीज को हम समावेशित करते हैं। कि दलहन और तिलहन दोनों, दलहन और तिलहन को ही हम लगाते हैं रबी फसल के रूप में। तो रबी फसल के डाले के पहली हमन खेती की तैयारी कैसे करिए, संबंध में थोड़ा जानकारी दे। हाँ, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले फसल की हमारी के जब कटाई हो जाती है, तो एक हमारे एक नया कृषि यंत्र अभी विकसित हुआ है, अच्छा, वो है हैप्पी सीडर जिसको बोलते हैं। यदि हमारी नरई एक वित्त जो हमने छोड़ के हमने जो काटा है और नरई हमारी पूरा शेष है पूरे खेत में, तो हम भी चना गेहूं इन सभी की आसानी से उसमें बिना जुताई करे, जीरो जुताई पर उसमें डायरेक्ट हम सीधे खाद और फसल के बीज को डाल करके, ट्रैक्टर से चलने वाला एक यंत्र होता है जिसको हैप्पी सीडर कहते हैं, अच्छा, है ना भाई। उसके दो खंड होते हैं, इसमें बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, और उसमें एक कटर लगा रहता है, वो ऊपर की हल्की हल्की जो नरई को भी काटते चला जाता है, और उसके बाद उसमें लाइन से 9 कतारों में बुआई भी करते जाता है। ये बहुत अच्छा उन्नत पद्धति, कतारबद्ध पद्धति से ये मशीन द्वारा आधुनिक बुआई हो गई, अच्छा। और जिनके पास मशीन की सुविधा नहीं, हमारे किसान भाई जो छोटे किसान है या दूर दराज के क्षेत्र है, तो वो सीधे सीधे खेत में बढ़िया से एक आड़ी और एक खड़ी जुताई करके भी आसानी से चना लगा सकते हैं, है ना भाई। यदि हमको गेहूं लगाना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, 2 आड़ी खड़ी हम जुताई कर दें, जुताई करने के बाद यदि हमारे पास उपलब्ध हो तो रोटावेटर हम चला दे रहे हैं। अच्छा, यानी कि रोटावेटर चला के हम जिन बड़े बड़े मिट्टी है ओला हम छोटे करके अगर हम पानी डाली तब वो खर्च माने जिन पौधा के बीज है वह जल्दी ऊपर आ सकते। हाँ, ये भी है,
एक जो रोटावेटर होता है, एक मशीन होता है और ये ट्रैक्टर से चलती है। जब फसल हम आड़ी और खड़ी जुताई कर दे, जब ढेले बन जाते हैं उसके ऊपर भी हम चलाते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है, भुरभुरी मिट्टी तैयार होती है, मिट्टी को पूरा टुकड़ा टुकड़ा करते चला जाता है। एक बार हम चलाएंगे तो आसानी से उसमें गेहूं के बोने के लिए भुरभुरी मिट्टी तैयार हो जाती है, उसमें हम लगा सकते हैं। अच्छा। चने के लिए क्योंकि जनरली ढेले नुमा हमारी जो मिट्टी बनती है आड़ी खड़ी जुताई करने के बाद उतना ही पर्याप्त होता है। अच्छा, चने के लिए कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं होता है। गेहूं लगाएं तो उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। अच्छा, तो हमने चाहा था डॉक्टर साहब, ये रवि फसल डाला था ना मन, जन्मा नहारी माँ चना डाले हैं, सबसे पहले चना डाले पर कहाँ से हम बीज प्राप्त करी जेखर से हमला अधिक पैदावार और कम लागत में उत्पादन मिल सके? ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया भैया जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान भाई हम लोग ये थोड़े से चुप कर जाते हैं कि हम मार्केट में जो भी हमें जो बीज उपलब्ध होता है, अगर चना के प्रश्न में बताऊं तो हमें जो भी बीज मिलता है मार्केट में, हम उसको ले जाके हम अपने खेत में लगा जाते हैं। कभी कभी होता है कि उसकी जो जर्मिनेशन की क्षमता है वो कम होती है और हमारा जो है जर्मिनेशन ही नहीं आता, फिर बाद में हम शिकायत करना चाहते हैं कि भाई यहाँ से हमने बीज खरीदा था और उसकी जर्मिनेशन नहीं हुई, अंकुरण नहीं आया, हम सब बर्बाद हो गए, फसल बर्बाद हो गई। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं बताना चाहूंगा कि आज हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है और हर जिले में कृषि महाविद्यालय भी है और बीज प्रक्रिया केंद्र भी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने स्थापित किया है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें, जो भी बीज लें, चाहे गेहूं ले, चना ले, सरसों ले, कोई सा भी बीज हो, उस बीज को विश्वसनीय संस्था से लें। और विश्वसनीय संस्था से लेने से आपको फायदा होगा कि एक जो भी आप बैग ले रहे हैं, अच्छा, उस बोरी में, बीज की बोरी में एक ये प्रमाण पत्र लगा रहेगा। मुख्यतः हमारे किसान जो है आधार बीज और प्रमाणित बीज का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। तो यदि आधार बीज उनको दिया जाता है किसी भी संस्था से, तो ये सफेद रंग का प्रमाण पत्र उसमें लगा रहेगा, इसको टैग कहा जाता है। और यदि प्रमाणित बीज है तो ये नीले रंग की जो है टैग उसमें लगे रहेगी और इसमें पूरा उस बीज का पूरा बायोडाटा या जन्म कुंडली समझ लीजिए उसमें लिखा रहता है। बोरा ऊपर सिलाई रही थी, हाँ, बोरा के ऊपर में ये सिलाई रही, जो सिलाई रही थी सबसे पहले आप मतलब सत्य बीज ये है और वही नहीं लेना चाहिए ताकि विश्वसनीय रहे। अच्छा, तो किसान भाई मन उचित बीज सिर्फ जाके जहाँ उपलब्ध होते तो हम चाहते हैं कहाँ कहाँ मिल सकते किसान भाई मन ये बीज? हाँ, ये भी आपका अच्छा प्रश्न, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। हमारे जिले में कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ जहाँ भी है आप वहाँ से बीज उपलब्ध हो जाएगी। बीज प्रक्रिया केंद्र रहता है जिले में, वहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर दूसरा जो है हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी, रायपुर से भी आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको आधार बीज, प्रमाणित बीज, विश्वसनीय बीज ही आपको मिलेगा। अच्छा, तो यानी कि बीज वहां से उपलब्ध हो सकते, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बीज उत्पादन कौन किस्म ले किए जा सके? अगर खुद के किसान भाई मन अगर बीज उत्पादन करना चाहते अच्छा पैदावार लेबर, तो स्वयं के बीज उत्पादन कौन किस्म ले किए जा सके? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये आपको बता दूं कि बीज जो है चार प्रकार का होता है। एक पहला जो केंद्रक बीज होता है और दूसरा जो प्रजनक बीज होता है, जिसको हमारे वैज्ञानिक लोग अपने देखरेख में अपने फार्म में विश्वसनीय जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, इन चारों संस्थाओं में ही हम लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, अच्छा, एक पीले रंग का ये कार्ड रखा हुआ है, इसको टैग बोलते हैं, और ये जो है प्रजनक बीज का सूचक है। इसमें प्रजनक बीज जो यदि मैं वैज्ञानिक हूँ प्रजनक का, तो मैंने अगर इसका बीज तैयार किया है तो कैसे मैंने तैयार किया है, कितनी उसकी शुद्धता प्रतिशत है, कितना उसमें जर्मिनेशन आएगा, ये सारा चीज मैं सर्टिफाइड करता हूँ, मैं प्रमाणित करता हूँ, ये वैज्ञानिक बीज हो गया, यहाँ तक प्रजनक बीज। और इसको किसान जो है वैज्ञानिकों के देख रेख में ही उगा सकता है। पहले चीज इसको पूरी आजादी नहीं है, लेकिन परमिशन लेके, अनुमति लेके शासन से, कृषि विज्ञान केंद्र से, महाविद्यालय से इसकी भी उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, यानी कि डॉक्टर से सलाह लिए बगैर ओला स्वयं के बीज उत्पादन नहीं करना चाहिए, समय समय कृषि वैज्ञानिक मंजनाथ है उनसे जानकारी ओला लेना ही चाहिए। ये प्रजनक बीज के बारे में ये नियम बने हैं, लेकिन जो यदि हम आधार बीज के बारे में बात करें, इसकी जो अगली जो पीढ़ी, यदि हमने प्रजनक बीज लगाया है कृषि अनुसंधान केंद्र में, तो इसकी जो अगली पीढ़ी प्राप्त होती है, जो हमें बीज प्राप्त होता है, फसल प्राप्त होती है, उसकी पूरी टेस्टिंग की जाती है बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से। टेस्टिंग होने के बाद यह टैग जारी किया जाता है और एक सीड इंस्पेक्टर होता है और वो आके आपके फसल का पूरे निरीक्षण करता है, बीज का निरीक्षण करता है। बीज एक प्रक्रिया केंद्र में शामिल होती है। तो प्रक्रिया केंद्र में शामिल होने के बाद है ना भाई, तो इसकी सारी पूरा जन्म कुंडली रहता है, कौन सा बीज है, कौन सा फसल है, कौन से केंद्र से उत्पादन लिया गया है, कितनी अवधि तक इसको लगा सकते हैं, ये सारा डिटेल रहता है।
तो ये बीज आपको लगाना चाहिए, आधार बीज। आधार बीज के बाद जो इसकी जो अगली पीढ़ी आती है वो प्रमाणित बीज। तो मैं किसानों को सलाह दूंगा कि आप आधार और प्रमाणित बीज ही लगाइए। हम पुराने जमाने की पद्धति में जैसे करते हैं, कोठी में उसी बीज को रखते हैं, फिर उसी को लगाते हैं अगले सीजन में, फिर उसी में से जो उत्पादन होता है, तो इस प्रकार से हमको करने से जो उत्पादन की जो क्षमता होती है बीजों की वो कम हो जाती है। सिर्फ प्रमाणित और प्रजनक और आधार बीज का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमारे जिन गोड बात है ना जारी रही बच कर ही, तो अभी हम थोड़ा से छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलो संगवारी हो। आप मन उठ के झन जाओ, देखे पर मत भुलाओ, कार्यक्रम देखते रहो। बस थोक इन बाद में हम आपसे फिर नवा जानकारी के साथ उपस्थित हो गो। तब तक थोट की ब्रेक पर हम रुकना चाह था। किसान भाई हो, एक बार फिर आप मल्ला स्वागत है हमारे एक कार्यक्रम खेत खार में। अभी आप मन जानकारी लेवत रहे हो, जानत रहे हो कि बीज उत्पादन कौन किस्म ले किए जा सकते। तो हमन अभी डॉक्टर साहब मन हमला जानकारी देवत इनके बीज उत्पादन कौन किस्म ले लिए जा सकते है। अभी हम थोड़ा जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब के कि बीज की प्रक्रिया कहाँ होते। हाँ, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। बीज की प्रक्रिया का, बीज प्रक्रिया केंद्र से आप जुड़ेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ये 5 रुपए का फॉर्म लगता है। इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, कौन से गांव, कौन से क्षेत्र में, सारा कुछ डिटेल रहेगा। और 1 एकड़ के पीछे लगभग एक फसल के लिए 300 से 350 रुपए की खर्चा आता है। और इस प्रक्रिया में आप जुड़ेंगे, जैसे कि आप आधार बीज लिए हैं, आधार बीज लगाएंगे तो इसका जो अगला जनरेशन जो पैदा होगा प्रमाणित बीज बनेगा। अच्छा, है ना भाई। अच्छा, या प्रमाणित बीज प्रथम लिए हैं तो प्रमाणित बीज ये द्वितीय बनेगा, लेकिन वो बीज ही कहलाएगा। एक साधारण जिसको हम बीज मानते हैं वो नहीं बनेगा, ये बीज कहलाएगा, क्योंकि इसका हम प्रमाण पत्र रहता है। और इस बीज उत्पादन से जुड़ने का फायदा क्या रहेगा कि जैसे कि बीज उत्पादन से जुड़ने से, जैसे कि धान की फसल की अगर मैं बात करूं, तो केवल हम उसी बीज उत्पादन यदि जुड़ जाते हैं और सारी प्रक्रिया हम अपनाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करते हैं, तो जैसे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आज के टाइम अभी 2500 है, तो यदि बीज उत्पादन से हम जुड़ते हैं तो हमको 2800 प्रति क्विंटल के रूप में हमको मिल जाएगा, मिलना चालू हो जाएगा। अगर है ना भाई, और या जैविक बीज उत्पादन में जुड़ते हैं तो वही जो बीज है जो 2500 है वो 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमको फायदा होगा। प्रक्रिया उतना ही है, मेहनत आपको उतना ही करना है, खेती उतना ही करनी है, दवाई उतना ही डालना है ना भाई। सारी प्रक्रिया आपको उतना ही करनी है, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतने में ही आपको बीज उत्पादन में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि बीज उत्पादन जिन प्रक्रिया है ये पद्धति वही है रहोगा। तो अच्छा, हम डॉक्टर साहब आप ला वो आगे हम जानकारी चाहते हैं कि पराली जलाले का परेशानी उठाया पर पड़ सकते। ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया भैया जी। अभी पराली जाना हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। जब टीवी समाचार या फिर न्यूज़पेपर जहां भी देखें सब जगह पराली जलाने की बात आ रही है। अब देखिए, आपने पराली हम जब जलाते हैं तो क्योंकि आज के आधुनिक युग को हम इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग करते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर का मिसाई करने के लिए उपयोग करते हैं, हमारा काम तो हो जाता है, हमें आसानी से पैरा अलग हो जाता है, बीज हमको मिल जाता है, उसको ले जाके हम मंडी में बेच देते हैं, ये हमारा काम तो चटपट हो गया। लेकिन इसके बाद जो पैरा जो निकलता है उसकी हम ढेरी लगा के रख देते हैं पराली का, लेकिन उसको हम सिर्फ आग लगा देते हैं, कोई हमारे उपयोग का लायक नहीं, ऐसा समझा जाता है। लेकिन ये सोच हमें हमारी गलत मानसिकता का परिचायक है। हमको पराली नहीं जलाना चाहिए, उसका 2 उपयोग कर सकते हैं। एक खाद बनाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं और दूसरा मशरूम उत्पादन के लिए मीडिया के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो है उसका खाद के साथ साथ अच्छा मोर के मतलब ये है कि आप जन उत्पादन ले ही पद्धति में तो जन बचे हुए पैरा है जिन हम उनमें पराली के रूप में रखे हैं ओला हमन त्रिया के ओला हमन वैज्ञानिक पद्धति से खाद बना के और उखर से हमन फायदा ले सकते। मैं वही बताना चाह रहा था कि भाई हम उस पैरों को यदि आग लगाएंगे तो
पर्यावरण प्रदूषण होगा पहला चीज, बिल्कुल पर्यावरण प्रदूषण होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जलाने से निकलता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है और सीधा ओजोन परत को नष्ट करता है। अच्छा, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो प्रकाश रासायनिक धुंध जो बनती है, आप धुंध का जो सामना करते हैं सुबह सुबह, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बड़े बड़े महानगरों में, ये हमारी गलती की वजह से है ना भाई। हम आग लगाते हैं तो उसको धुआं कहाँ जाएगा, वो तो हमारे वातावरण में ही रहेगा ना, उसकी वजह से हमको जो देखने की जो पारदर्शिता की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और धुंध के रूप में हम सामने में उसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, ये हमारी गलती है। दूसरे जो चीज है कि हम उसको जलाने के बाद हमारा जो मृदा है, मिट्टी जो खेत है, वो सख्त हो जाता है, जल जाता है, जलने से उसमें जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं खेत में वो नष्ट हो जाते हैं, जल के मर जाते हैं, अंदर में छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो खुली हम आंखों में दिखाई नहीं देते वो जल के नष्ट हो जाता है, और केचुआ केचुआ जो हमारे जो किसानों को मित्र होता है वो भी जल के नष्ट हो जाता है। एकदम सही, ये भी नष्ट हो जाता है। यानी किसान भाई मन बिल्कुल गौर करें कि ये पराली जलाएल बंद करें, और पराली से हमारे पर्यावरण तो प्रदूषित होते चे होते, जेन मिट्टी गर्म हो जाते आगी जलाएले, अब ओकर जेन उपजाऊपना वाले जेन बैक्टीरिया या जो भी जीवाणु विषाणु ओकर उपलब्ध रहते वह नष्ट हो जाते, तब वो हर हमारे उत्पादन क्षमता में कम हो जाते। अच्छा, तो ये पराली जलाएले और का परेशानी किसान मन उठाए पड़ सकते, आप थोड़ा जानकारी देना। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, परेशानी है छे। अब कतको बार कहा होते गांव में कि जो लोटा लेके जाने वाला मन रहते या फिर जो सिगरेट पीने वाला मन रहते वो मन जाके आग लगा के चल देते। अच्छा। और वो वाला आग लगा के बीच में भाई जो हमारे जीवन बोले नहीं सके, गाय गरुआ जो मन रहते बीच में जाके फंस के जर भूजा के मर जाते, तो हमारे नुकसान होते। एक भी अभी मैं पिछले महीना के बात है, नवागढ़ में एक जन लेडी सर का थे, अपन खेत ला आगे धरा भर गेरी से अच्छा कन ढेरी में आगे लगाए पर बीच एक थे ढेरी लगी तो दूसरे ढेरी है जल के ओकर बीच में खुदे ओकर संग में जल के स्वाहा हुए, तो एकर से हमारा जन धन और हमारे जीवन के भी हानि होते। अच्छा, यानी कि बहुत नुकसान हो सकते एकर से, बहुत नुकसान होते। अच्छा डॉक्टर साहब, हमन कार्यक्रम लागे बढ़ा, हमन आपसे एक प्रश्न करना चाहते कि आप मन सब खाली समय में, जैसे तभी आप कृषि वैज्ञानिक और कृषि संबंध में जानकारी देते रहते हो, लेकिन हम सुने हमन के आप मन एक और जागरूकता अभियान में भाग लेता हो और जागरूकता अभियान चलाता हो, ते कौन किस्म से जागरूकता अभियान चलाता हो, आप आपका बिजी समय मिले कौन समय निकाल के आप मन ये सब समाज सेवा के कार्य ला अपना एक कोशिश करे, विस्तार से थोड़ा बताओ। मैं बताना चाहूंगा कि शनिवार रविवार जो मुझे छुट्टी का समय रहता है उसमें मैं खाली नहीं रहता हूँ, हमारे जो गांव के आसपास जो कृषि महाविद्यालय के साथ साथ जो विद्यालय हैं, अन्य जो महाविद्यालय हैं या फिर पंचायत है या फिर बाजार है जो लगता है डेली बाजार है, वहाँ हम किसानों के साथ जाके महाविद्यालय के बच्चों के साथ विद्यालय के बच्चों के साथ उनको जागरूकता करने का प्रयास मैं अपने चालू किया हूँ। लगभग 8 साल से ये काम मैं कर रहा हूँ और जांजगीर जिले में पोस्टिंग हुए 4 साल हो गए, 4 साल से ये काम मैं कर ही रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो पराली जलाने की जो समस्या है इस पर मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको बताता हूँ भाई कि पराली जलाने से आपको क्या क्या नुकसान है और उसको नहीं जलाएंगे उसको प्रबंधन करेंगे तो कैसे हम ट्राइकोडर्मा को उपयोग करके हम खेत में फैले पैरा को ही खेत में ही उस ट्राइकोडर्मा का जो 5 किलो का हमारा जो एस्टेट रहेगा उसको हम 50 किलो गोबर में मिलाएंगे, उसका घोल बनाएंगे, पैरा को पूरा फैलाएंगे, उसके ऊपर छिड़केंगे, नमी का उपयोग करेंगे, जैसे कि अभी उसमें बहुत सारी नमी आती है, अभी आप जो देख रहे हैं मौसम बहुत अच्छा है, खेत में जितने भी पैरा है उसको फैला दीजिए और 5 किलो ट्राइकोडर्मा को 50 किलो गोबर खाद में मिला के उसको छिड़क दीजिए, छिड़कने के बाद उसमें डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा और लगभग 20 से 25 दिन में डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है और अभी हमको पानी डालने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि नेचुरली जो है इतना ओस गिर रहा है जिसमें वो नमी बना रहता है, मतलब सीध बहुत ज्यादा गिरा थे, सहयोग मिलते हैं उसके वजह से लगातार जो है उसमें नमी रहती है और जो अपघटन प्रक्रिया है बहुत फास्ट होता है और आसानी से अपघटित हो जाता है ट्राइकोडर्मा से, और उसके बाद यदि हम उसमें जुताई कर दें, अगर हमारे पास साधारण नागर है तो हम नागर से जुताई कर दें, कल्टीवेटर है जो 9 कतार वाली है ना भाई, जो हल है जो ट्रैक्टर चलता है उसको भी हम चला सकते हैं, यदि या डिस्क हैरो भी है या डिस्क वाली एक आती है हल वो भी हम चला दे तो
हमारे खेत में भी वही पैरा मिल जाएगा और उससे हमारे खेत की जो उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, ह्यूमस बढ़ेगा और पैरा के जो जलाने की प्रथा भी समाप्त हो जाएगी और उपजाऊपन बढ़ेगा। यही एक उद्देश्य लेके एक मैं काम कर रहा हूँ, पहला चीज। दूसरा चीज मैं काम कर रहा हूँ बच्चों को जागरूक बनाने के लिए करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र को आज भी पता नहीं कि पीएटी में कैसे हम सेलेक्ट हो जा सकते हैं, कैसे हम आईसीआर की परीक्षा में जा सकते हैं, ये सब चीजें हम उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से बच्चों को कृषि पढ़ाई करने के लिए फेलोशिप मिलता है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए 12 से 14 हजार तक की स्कॉलरशिप मिलती है, अभी 16 हजार हो गया है, फिर अपग्रेड करने के लिए एमएससी के लिए जाने के लिए बच्चों को 18 हजार की फेलोशिप मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। ये सारे चीज में गतिविधियों के बारे में जानकारी देते रहता हूँ। साथ ही मैं जागरूकता कर रहा हूँ नेत्रदान के बारे में, देहदान के बारे में। मेरे खुद भैया अभी 19 मार्च को जब इस दुनिया को छोड़ के गए, उन्होंने घोषणा किया था कि अपने आंख और पूरा देह को दान करके जाएंगे, तो उनका विधिवत सम्मान हमने सिम समय 19 मार्च 2018 को उनका देहदान को हमने किया है। तो इसी प्रक्रिया में उनकी प्रेरणा लेते हुए मैं खुद चंद्रशेखर खरे कृषि वैज्ञानिक प्रबंधक जानगे, मैंने भी अपना नेत्रदान और देहदान की घोषणा की है। इवन मेरे वाइफ जो अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी देहदान और नेत्रदान की घोषणा भी की है। तो ये एक पहल है जो हम समाज को बताने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास है जिसको हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा खरे जी, हम अपन गोट बात जारी रखे, तो इस संबंध में आप बहुत बढ़िया समाज सेवा के बारे में जानकारी दे, बहुत बढ़िया कार्य करत हो आप, नेत्रदान महादान और बच्चा मन ला जिन भी प्रकार के समस्या का सामना करना पड़ते। तो सबसे पहले हम एक ठीक छोटे सन ब्रेक के बाद मुरुगत हन, दर्शक हो आप मन उठ के मत जहा, हमारे कार्यक्रम जारी चल रही और नवा नवा जानकारी आप मतलब देते रहो, तब तक लेवत हन हम छोट किन विराम। ठीक है भैया, मेरा भी बेहतरीन बेहतरीन आपको जानकारी। अच्छा किसान भाई हो, ब्रेक के बाद फिर आप मन के एक बार स्वागत है हमारे कार्यक्रम खेत खार मा। आप मन देखत हो कि हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी जिन कृषि वैज्ञानिक क्षेत्र जांजगीर से उपस्थित हमें हमारे बीच में और खेती संबंधी बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी देवत भी हमें। हम डॉक्टर साहब ला फिर जानकारी हासिल करना चाहत हन कि जिन हमन फसल के नरई है या जिन ला हमन की थन खेत ला कटवाए के बाद धान ला वही मेरे हमन छोड़ देथन और ओला हमन जला देथन जेकर से पर्यावरण तो प्रदूषित होते चे होते, ओकर संगे संग हमर जिन उत्पादन क्षमता भी है खेत के ओहू नष्ट हो जाते, ओहू कमी हो जाते। तो हमन आगे जानकारी पर डॉक्टर साहब से हमन एक ही प्रश्न करना चाहतन कि फसल और शोषण ना जलाएं और जैविक खाद बनाए, तो जैविक खाद कौन किस्म में तैयारी करे जाते, ये संबंध में थोड़ी जानकारी दी है डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है भैया, मैं बताना चाहूंगा। जो फसल का अवशेष है जो हम हार्वेस्टर का उपयोग करने के बाद बहुत खेत में पूरा ढेरी लगा देते हैं पैरा का, अब हमारा छत्तीसगढ़ है जो है कृषि प्रधान में सबसे ज्यादा जो धान की फसल ली जाती है ना भाई, उसके साथ पैरा हम यंत्र का उपयोग करते हैं, पैरा हम छोड़ के चले जाते हैं, अब पैरा की ढेरी लगी हुई है ना, उसको हम आग लगा देंगे तो सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित होगा, लेकिन हम उसी पैरों को फैला दें, फैलाने के बाद उसमें अभी ओस इतना गिर रहा है कि आपको पानी डालने की आवश्यकता नहीं, मेहनत करना नहीं पड़ेगा, उसमें वो भीग जाएगा। उसके बाद 5 किलो ट्राइकोडर्मा को 50 किलो है ना भाई, 50 किलो गोबर में मिलाना है और मिलाने के बाद उसमें छिड़क देना है और छिड़कने के बाद आप देखेंगे 15 से 20 दिन में उसका कंपोजिशन या सड़न उसमें चालू हो जाता है, घटन जो ट्राइकोडर्मा जो जीव है वो उसको खाना चालू कर देता है और उसमें ऑटोमेटिक जो है अब घटन चालू हो जाता है, सड़ना चालू हो जाता है और वो छोटी छोटी टुकड़ों में ऑटोमेटिक टूटना शुरू हो जाता है और इस तरीके से आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन के अंदर में अब घटन शुरू हो जाता है और लगभग 1.5 से 2 महीने में खाद बन के रूप में उसी खेत में आप उसको मिला देंगे, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। यदि आपके पास उसमें छिड़कने के बाद है ना भाई ट्राइकोडर्मा गोबर का कुछ छिड़कने के बाद नमी है, उसके बाद जब 20 से 25 दिन हो गई तो आप जो है देसी हल से जुताई कर दीजिए आड़ी खड़ी या तो फिर कल्टीवेटर का उपयोग करिए, जो नौ कतार वाली जो हल होती है ट्रैक्टर चलती है उसको उपयोग करके उसमें मिला दीजिए, इससे उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सुने हैं कि जैविक खाद बनाए पर सरकार तरफ से कुछ अनुदान राशि गलत दिए जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग है वो
पराली न जलाए इसके लिए जो है, और उसको जैविक खाद बनाए इसके लिए 800 से लेके 1000 रुपए प्रति एकड़ पैरा प्रबंधन जैविक खाद बनाने के लिए उसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में भी किसानों को दिया जा रहा है। आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, तो ये दलहन और तिलहन जिन हमन रवि फसल में लगा सकते हैं जी, हाँ जी, और ओखर से हमन अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब खरे जी, आप मन खेती संबंधी बहुत बढ़िया जानकारी किसान भाई मन दे हो, और हम चाहत हम के ये जानकारी ला अपना के अपन जीवन में वही पद्धति करी खेती, ताकि हमें अधिक उत्पादन मिल सके, अधिक लाभ मिल सके। तो ये संबंध में आप तो जानकारी दे, एक लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हम जानकारी ये चाहत हम कि आप मन अपन जिन कृषि के संबंधी जानकारी देते रही था, इतना बिजी समय निकाल के आप मन कुछ अलग कार्यक्रम भी करता, जिससे समाज सेवा के कार्यक्रम, समाज सेवा पर का कार्यक्रम करता, थोड़े एकर बारे में विस्तार से समझा। इसके बारे में बताना चाहूंगा, मेरे जो दादाजी है ना, अच्छा, स्वर्गीय हिंसाराम खरे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, अच्छा, और उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री गणेश राम खरे जो बहुत बड़े हमारे महान समाज सेवक थे पामगढ़ क्षेत्र पूरे जिला क्षेत्र के, तो उन्होंने बच्चों को हमेशा पढ़ाने का प्रेरित करने का प्रयास किया है, बच्चों को पुस्तकें देना, ये मैं बाबूजी से उनको प्रेरणा लिया। उसके बाद फिर मेरे बड़े भैया थे स्वर्गीय श्री मनोज कुमार खरे, उन्होंने अपना वही प्रक्रिया अपनाते हुए बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब जगह जितना भी उनके पास जो ज्ञान है उसको अपने बीच में ना रख के सबको समाज को बांटने का जो प्रयास किया है, उनसे ही प्रेरणा लेकर मैंने भी अपने नेत्रदान देहदान किया है ना भाई, इसकी मैंने घोषणा कर दी है, भैया ऑलरेडी दे चुके हैं, और उनकी प्रेरणाओं के परिणाम स्वरूप ही आज मैं जो शनिवार रविवार को जो छुट्टी का समय होता है उस बीच में मैं जिला मुख्यालय से निकल के किसानों के बीच में जाता हूँ, किसानों के चौपाल में, ग्राम पंचायतों में या विद्यालयों में, इन सभी जगहों में मैं लोग बाग से मिलता हूँ और उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे लोग को जो है, खासकर मैं लड़कियों की बात करूँ, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आंदोलन में भी मैं काम करता हूँ, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, तो इसके तहत जो है बच्चों को मैं जानकारी देता हूँ कि भाई बच्चे जो हमारी जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको भी एक लड़कों की तरह पूरा उनको रोजगार के अवसर देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में उनको जो लालन पालन भी उनका लालन पोषण भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कल के बच्चे अगर हमारी बच्चियां ही नहीं रहेंगी तो हम आने वाले भविष्य की कल्पना ही हम नहीं कर सकते। कहावत भी कहेंगे ना कि आज के दिन बच्चा मन ये कल के भविष्य है हमारे। जी हाँ जी हाँ, है ना भाई। तो इस संबंध में आप, अच्छा डॉक्टर साहब, हम आप लव जानकारी चाहता हूँ कि बच्चा मन पर कौन प्रकार के ऐसे आप कार्य करत है जेकर से बच्चा मन आगे बढ़ाया हूँ, मतलब कुछ सहयोग प्रदान मिल सके। हाँ, मैं ये सबसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे तरफ से खुद, मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट से मैं जगह जगह जो स्कूल हैं जो कॉलेजेस हैं वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको कैसे कौन सी क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना चाहिए, भविष्य कैसा है, जैसे कि मैं कृषि की बात करता हूँ तो कृषि में असीमित अभी रोजगार के अवसर है, नौकरियां हैं, और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नौकरी की असीम संभावनाएं हैं, कोई कमी नहीं है, बशर्त हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसे कि भाई आज के रेट में इंजीनियरिंग करके बहुत लोग कर रहे हैं बीए, साधारण बीए करके, है ना भाई, तो यदि हम टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में जाएं तो बच्चों को आज के टाइम में ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिएगा उनको ये भी पता नहीं है कि हमको 11वीं 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे तो हम क्या बन सकते हैं, तो उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट विज्ञान लेके पढ़िए, गणित लेके पढ़िए, है ना भाई, कृषि लेके पढ़िए, ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जिसमें आप रोजगार पा सकते हैं, है ना भाई, और जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। भविष्य में कौन दिशा हम अपनाई जेकर से हमार भविष्य आगे बढ़ाए, इस संबंध में आप अभी आंचल आवत हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, हमन अंतिम कार्यक्रम के हमारा आप ये जानकारी चाहत हन कि आप और समाज के लिए का करना चाहत हो जेकर से समाज हमार आगे बढ़ाए और समाज के लोगन मन आपसे शिक्षा लेके समाज के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपन रोल अदा कर सकें, माने वो चीज में सहभागिता निभा सकें। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहूंगा अपने भी जो भी बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जितना आप पढ़ा सकते हैं जरूर पढ़ाइए, अगर नहीं पढ़ा सकते तो उनको एक रास्ता जरूर बताइए कि भाई आप 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट तक सही सब्जेक्ट तक चुनाव करिए, जैसे कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई करना है, PMT जाना है, PAT जाना है, और तो मैं आप बताना चाहूंगी ICR में फेलोशिप भी मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो वो परीक्षा में उनको प्रतिभागी बनाइए, उसमें एडमिट कराइए ताकि उनको फेलोशिप मिले और फेलोशिप मिलने वो आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई कर सके, और नेत्रदान देदान भी करना चाहिए, इसके लिए भी एक प्रयास करना चाहिए। साथ ही मैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो हर जगह व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके लिए भी
मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनको सही जानकारी दे सकूँ और भ्रष्टाचार का हर जगह पुरजोर विरोध करना चाहिए, यही मेरी एक भरसक प्रयास रहा है। अच्छा डॉक्टर खरे जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आए हो, खेती किसानी संबंधी बढ़िया बढ़िया जानकारी आप मन दिए हो और ये जानकारी है जरूर हमारे दर्शक मन पसंद आई सोही। और मैं दर्शक मन ले खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मन हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रशेखर जी खरे जिन अपन विचार बताई कौन किस्म ले कौन पद्धति अपना ले हमन फसल अधिक ले सकथन, अधिक पैदावार अपन बढ़ा सकथन और साथ ही साथ समाज के क्षेत्र भी में अपन योगदान के बारे में आप मन ला बताईस और आप मन एक हर जीवन ले जरूर ये सीख ग्रहण करे हो। आप मल्ला हमर ये कार्यक्रम कैसे लागीस एक हर बर आप मल्ला हमर जेन चलत है न्यूज एकर अंदर में नंबर मिल ही, आप मन वो नंबर ला डायल करके मैसेज के माध्यम से कांटेक्ट करके हमर से जानकारी वो हासिल कर सका था। और साथ ही साथ आप मन कैसे लगी हमारे कार्यक्रम हाँ ये संबंध में जरूर जानकारी देहला झन बुलाहो तो अतिक बढ़िया बढ़िया सुघर सुघर जानकारी देहे पर हमन फिर डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जिला अपन कार्यक्रम के माध्यम ले धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जन अतिक सुघर कार्यक्रम दीज। तो संगवारी हो अभी आप मन देखे हो सुने हो हमर खेत खारमा डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जिला, तो हम चाहतन कि आप मन ये कार्यक्रम ला सुनते रहो देखते रहो और आप मन पर हम तरह तरह की कार्यक्रम लेके आबो खेती से संबंधी कौन किस्म ले हमन रवि फसल के खेती करी कौन किस्म से रवि फसल में बीमारी आते और साथ ही साथ में मवेशी भी है जाड़े के दिन में भी जाड़ के सीजन हो गए जाड़ के दिन में कौन प्रकार के यानी कि खेती किए जा सकते जानवर मन ला कौन कौन प्रकार के बीमारी हो सकते उकर लिए कौन कौन प्रकार के टीका उपलब्ध किए जा सकते एकर ले हम अधिक अपन जानवर मन की देख रेख या रख रखाव कर सकी साथ ही साथ उमल बीमारी ले कौन किस्म से बचाया जा सके ये संबंध में हमन जानकारी लेके आबो। तब तक के लिए जम्बो दर्शक मल्ला राजकुमार दिवाकर की जय जोहार राम राम।